कोरोना वैक्सीनेशन के दौर में अब बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जहां सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। बावजूद इसके बुजुर्गों को लंबी कतार और धूप का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बाद अब निजी अस्पतालों को 24 घंटे वैक्सीन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। शहर में 45 साल की उम्र का पड़ाव पार कर चुके बुजुर्गों के वैक्सीनेशन के लिए 7 निजी अस्पतालों को चुना गया है, लेकिन यहां वैक्सीन की कीमत चुकाने के बाद भी बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां वैक्सीन लगाने के लिए लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं, तो वहीं धूप में बुजुर्ग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को निजी अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने पहुंचे लोगों को 2 से 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ बुजुर्ग तो अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए वापस घर लौट गए और अव्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी भी जताई। हमको 3 घंटे हो गए, ऑनलाइन कराया था, उसके बाद भी यही टाइम दिया था कि 9 से 6 में आपका होगा और बिफोर नून लिखा है, उसके बाद भी अब नून तो होने वाला है, उसके पहले ही अब नंबर नहीं आया अभी तक, अभी 1-1.5 घंटा और लगने वाला है, बिल्कुल बोगस। हमें 3 घंटे हो गए यहाँ आए हुए, हमें बिफोर टाइम नून का टाइम दिया था और अभी तक नंबर आने का कोई चांस नहीं है। पहले तो खड़े हुए थे, अभी थोड़ी कुर्सियों का इंतजाम हुआ है, कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, सब बिना लाइन के लगे हुए हैं, बिना रजिस्ट्रेशन के लगे हुए हैं, व्यवस्था को सुधारा जाए। आरोग्य सेतु ऐप लगा के रखा है, सब कुछ किया है, अभी जब इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया है, परंतु जब वो सेंटर पे हम क्लिक करते हैं, स्लॉट नॉट अवेलेबल, जबकि वी आर स्टैंडिंग इन द क्यू फॉर लास्ट 3 hours, 4 hours, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? इट शुड हैव बीन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग थिंग्स। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया की माने तो केंद्र सरकार ने 24 घंटे की वैक्सीनेशन के लिए जो व्यवस्था दी है वो फिलहाल मानव संसाधनों से सुसज्जित निजी अस्पतालों के लिए ही दी हैं। आगे जल्द ही इस व्यवस्था को भी लागू किया जाएगा, जिससे लोगों को राहत होगी। ये मूलतः निजी अस्पतालों के लिए कहा गया है और जहां पर मानव संसाधन और उनके कहें कि रूम्स वगैरह निर्धारित रहते हैं और अलग रहते हैं, और ऐसी स्थिति में चूँकि वहाँ पर पेड है, सशुल्क लगना है और 100 रुपये उनको टीके के अतिरिक्त सुविधा चार्ज भी लेना है, वो लोग ये काम कर सकते हैं और शीघ्र ही जैसे ही हमें आदेश प्राप्त होगा 24/7 प्रारंभ कर देंगे। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें समय की बाध्यता खत्म करने और 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा देने का निर्णय अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।